रात जागते हैं, मौत को गले लगाते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें, हमारा देश सुरक्षित रहे। वो छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे, तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो आखिरी बार अपने परिवार से मिलकर हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। फिर किसी माँ के आंचल में उसका बेटा नहीं लिपटेगा तो किसी बीवी की मांग में उसका सुहाग सिंदूर नहीं भरेगा। एक बहन की राखी अब अपने भाई के इंतजार में ही रह जाएगी तो कोई मासूम बेटा अब अपने पिता के कंधे पर बैठ नहीं सकेगा। इसलिए कि भारत माँ सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें। आतंकी हमले में चंदौली की एक मां की गोद सूनी हो गई, 2 साल के बेटे के सर से बाप का साया उठ गया। शिल्पी की शादी को अभी 5 साल भी नहीं हुए थे कि उसका सुहाग उजड़ गया। भारत मां की रक्षा करते हुए अवधेश शहीद हो गई और अब बूढ़ी मां की आंखों में केवल आंसू ही बचे हैं। रोता बिलखता ये परिवार पुलवामा में शहीद अवधेश यादव का है। पूरे घर में मातम पसरा है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। चंदौली के अवधेश यादव ने भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अब उस बूढ़ी माँ का क्या होगा जिसकी गोद सूनी हो गई। शहीद अवधेश यादव की माँ को कैंसर है। बूढ़े पिता भी इलाज की बदौलत ही जिंदगी गुजार रहे हैं। एक भाई भी है लेकिन वो बेरोजगार। परिवार का एकमात्र सहारा थे अवधेश यादव। परिजनों के साथ ही गांव वाले भी गमजदा हैं कि अब परिवार को कौन संभालेगा। बड़ा लड़का था, उसी पर परिवार आश्रित था और उसकी माँ कैंसर से जूझ रही है। हम अपने सामने खुद बीएचयू में देखे हैं। वो लड़का छुट्टी में आता था, बेचारा अपने माँ को लेकर बीएचयू में जाता था, इलाज करवाता था और ये परिवार बहुत ही बेहद गरीब है और आज इतना दुख है। इस शहादत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। शहीद अवधेश के घर पर लोगों की भीड़ है, हर किसी की आंखें नम है और सभी की एक ही मांग है, बदला और केवल बदला। एक के बदले 100 आने चाहिए सर, एक के बदले 100 नहीं है सर। जो मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था वो पूरा होना चाहिए। यदि आपको मौका मिले फोर्स में जाने का, आप जाएंगे? आप चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 100 हजारों को मार गए। 2 साल के बेटे अखिल को तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता अब लौट कर नहीं आने वाले हैं। साल 2012 में अवधेश सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और उसके 2 साल बाद उनकी शादी शिल्पी के साथ हुई थी। सभी को छोड़कर अवधेश चले गए ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। उनकी कुर्बानी को यह देश कभी नहीं भूलेगा। ईटीवी भारत के लिए चंदौली से कमलजीत की रिपोर्ट। आगरा के कौशल कुमार रावत भी पुलवामा हमले में शहीद हो गए। उनकी बेटी के साथ बात की हमारे संवाददाता ने। शहीद हुए आगरा के कौशल कुमार रावत की बेटी हमारे साथ है, अपूर्वा। तो किस तरह से मोटिवेट करते थे, क्या बनाना चाहते थे? वो सिर्फ इतना कहते थे कि मेरी साइड देख लो और कुछ बन जाओ। मैंने एविएशन ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने मुझे पायलट के लिए भी प्रमोट किया। तो मैंने 2 महीने पहले ही अपना CPL कोर्स स्टार्ट किया पायलट बनने के लिए। और भाई को भी उन्होंने 2 साल पहले MBBS में ढकेल दिया कि तुम अच्छे से डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूँ मेरे 3 बच्चे कामयाब हो जाएं। इसलिए उन्होंने मुझे पायलट, भाई को MBBS और छोटे वाले को बोला जो तुझे अपनी लाइफ में करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ। अभी तो वक्त आ गया है ठोस कदम उठाने का। ये हमला हुआ है, अब 40 हो चुके हैं, अब 80 का इंतज़ार करने का तो मुझे नहीं लगता वक्त है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सेना में जाएं या किसी के लिए प्रमोट करेंगे? जब मेरी शादी होगी और अगर मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही मरने देने वाली है तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे होने वाले बच्चे कभी भी जाएं। या पाकिस्तानी ज़्यादा हावी हो रहे हैं सरकार? पाकिस्तान हावी हो गया है हम पर, मुझे तो यही लगता है। हमारी सरकार के पास कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, पर मुझे नहीं पता वो क्यों रुके हुए हैं। कि डिमांड क्या है सरकार से, क्या करना चाहिए सरकार को अब? मुझे तो इतना पता है, अगर मैंने फोटोज जो देखे हैं उसमें हमारे जवानों के इतने छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, मैं चाहती हूँ उन लोगों के टुकड़े भी ना मिले। PM मोदी और CM योगी से आपकी क्या डिमांड है, क्या करना चाहिए उन्हें?
सीएम योगी को मैं सैल्यूट करती हूँ, वो बहुत दिलदार आदमी है और जो भी कदम वो उठाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। पीएम मोदी भी, उन्होंने बहुत आतंकवाद को कम किया है। मैं ये चाहती हूँ बस वो इसे जड़ से ख़त्म कर दें, बिल्कुल जड़ से। जैसे ये हमला हुआ, इतना बड़ा आरडीएक्स और भी सामान आया, तो क्या सुरक्षा में पहले से चूक है वहाँ? चूक तो है ही, कश्मीर में जितनी सुरक्षा रहती है उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं तो कुछ तो हुआ ही होगा, लीक हुआ है, इसी वजह से इतना ज़्यादा विस्फोटक आ पाया। ये थी हमारे साथ कौशल कुमार रावत की बेटी अपूर्वा। अपूर्वा और इनके भाई विशाल का कहना है कि पिताजी बहुत जिंदा दिल थे, वो हम सबको एक ऊंची उड़ान देना चाहते थे। आगरा से ईटीवी के लिए श्यामवीर सिंह। प्रयागराज के लाल महेश कुमार यादव भी शहीद हो गए। महेश यादव परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। शहादत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। शहीद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवार को ही महेश अपनी छुट्टी पूरी कर घर से लौटे थे। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। शहीद महेश के दो बेटे हैं, एक 5 साल का और एक दूसरा 6 साल का। महेश के चाचा ने अपना दर्द बयां किया। सर हाँ, छुट्टी में आए थे तो सोमवार को, मतलब कि गए हम तो, मतलब सर फाफा मोह में रहते हैं सर, मतलब कि हमसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी, उसके पहले मतलब कि बात नहीं हुई। हमको सुबह व्हाट्सएप पे खबर मिली थी करीब 3 बजे। आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा अपने चरम पर है। हर तरफ हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, शहादत का बदला। हर देशवासी बदला चाहता है, अपने शहीदों के बहे एक एक कतरे का हिसाब चाहता है। ...2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला, देश ने की बदले की मांग, आतंक का सर्वनाश करे सरकार। तस्वीरें खुद में सब कुछ बयां करती है। पहले 12, फिर 20, फिर 37 और ना जाने कितने। पुलवामा के अवंतीपुरा में 2500 सैनिकों के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में देश के सीआरपीएफ के 37 सैनिक शहीद हो गए और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन पुलवामा में शहीदों की शहादत के बदले जो मिला वो चौंका देने वाला था। एक तरफ सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला, तो दूसरी तरफ नेताओं के ट्वीट पर ट्वीट। देश में सियासी पारा गर्म हो गया और जो सामने आया वो थे नेताओं के ट्वीट। अब ना तो बातों का वक्त है और ना ही निंदा का, अब वक्त है तो बस बदले का। यूपी के शहीद हुए सैनिकों के परिवार ने सरकार से क्या मांगे रखी, आइए सुनाते हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। लापरवाह सरकार है, किसी को वोट नहीं देंगे, सब बेकार है सरकार। हमला इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धमाका इतना भयंकर था कि सीआरपीएफ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमले को लेकर देश में इतना गुस्सा भर गया कि कहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो कहीं पुतले फूटे गए। कि आप 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 3600 सैनिकों को मारो, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समय नहीं है। हम यही चाहते कि अब आर पार की बात हो। कहीं कैंडल मार्च निकाली गई तो कहीं मौन रखा गया। किसी माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं तो कहीं शहीदों के मासूम बच्चों को ये तक नहीं पता कि घर में आखिर ऐसा माहौल क्यों बना है। सरकार भाई अब जो करे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? हक है तो मेरा हक कहाँ मिलेगा, कौन देगा? मेरा बेटा तो कोई देगा नहीं। कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार बड़ी लापरवाह है, कार्यों में कार्यवाही करती है बस। लापरवाह सरकार है, किसी को वोट नहीं देंगे, सब बेकार है सरकार। कहीं किसी का सुहाग उजड़ गया है तो कहीं किसी बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया। लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है उस घर में क्या बीतती है ये ना सरकारें जानती हैं और ना ही कोई विपक्षी दल। पहले अटैक और फिर अंधाधुंध फायरिंग, जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमले ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इस खोखले सिस्टम पर इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक देश अपने वीर जवानों को इसी तरह खोता रहेगा।
कहीं गोली चले या कोई धमाका हो, असर उसका दूर दूर तक होता है। एक बीवी की दुनिया उजड़ जाती है तो एक माँ का आंचल सूना हो जाता है। बेटा अपने पिता को याद करता उम्र रोता है, जब कहीं कोई लाल सरहद पर सो जाता है।